Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। ओपी राजभर ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, वो जल्द NDA में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डूंगरपुर में कहा है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, राजस्थान में लूट मची हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी संबंधों के आरोप में डॉक्टर और पुलिसकर्मी सहित 4 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा में खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ NIA की कार्रवाई चल रही है, करीब 15 ठिकानों पर छापा मारा गया है, खालिस्तानी तत्वों से जुड़े लोगों पर छापेमारी हो रही है। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा ने ISI कंट्रोल पाकिस्तान आधारित आतंकी मॉडल से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में चुनाव प्रचार अंतिम पड़ाव पर है, आखिरी 2 दिन में जमकर चुनावी रैलियां होगी, PM मोदी 2 और अमित शाह 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मथुरा में तैयारियां चल रही है, PM 23 नवंबर को ब्रजराज उत्सव में शामिल होंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए बहुत सम्मान की बात है। नेपाल SC ने टिकटॉक पर प्रतिबंध हटाने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया, सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है, उस बैठक में राज्य कर्मचारियों को 4% DA देने पर फैसला हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 नवंबर को वर्चुअल G20 लीडर्स समिट की अध्यक्षता करेंगे, भारत 9 अतिथि देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख को आमंत्रित कर वर्चुअल समिट करेगा। इसराइल और हमास के बीच बीते 6 हफ्तों से जंग जारी है, इसी बीच दोनों पक्षों में मानवीय संघर्ष विराम का समझौता हुआ है, समझौते के बाद हमास इसराइल के 240 बंधकों में से लगभग 50 को रिहा करेगा। PMO के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे टनल में चल रहे रेस्क्यू के काम को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर को डेंगू हो गया है, एक्ट्रेस ने खुद अस्पताल के बिस्तर से सेल्फी शेयर कर ये जानकारी दी है, वहीं फैंस से सावधान रहने की अपील भी की है। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुनवाई का आज दूसरा दिन है, राहुल नार्वेकर आज इस पर सुनवाई करने वाले हैं। महाराष्ट्र में मौसम बदलने वाला है, मौसम विभाग ने कई इलाकों में 23 से 27 नवंबर तक बारिश की संभावना जताई है। मानहानि मामले में मुंबई की अदालत ने BJP विधायक नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है, इस मामले में अब अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने समुद्र में कचरा फेंकने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। मालेगांव में सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के प्रदर्शन के दौरान थिएटर में पटाखे फोड़ने से दर्शकों में दहशत फैल गई है और अफरा तफरी मच गई, इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की कमाई के 10 दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं और 10 दिनों में फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।